हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ा भारत इतिहास हूँ मनमथनाथ दास। तो जिते जन मोर सीनियर थे तो यही बुकटा होने पढ़ी आो बड़मा भी जी थे तो सी मत ये भी कही कि मनमथनाथ दास जी थे ये जी अथर जी अच्छा तो ये बही गुड़ा बहुत भल भाव कहीं ये बहुत भल कि बही गुड़ा मेनसन थाए सब जिन तो यही बुकटा को आम स्टार्ट करा कहीं मो माँ जितेबाद थे सी टाइम पढ़ुते बड़मा भी यहाँ पढ़ुते तो मुझे मत भी जो पढ़ी बुकटा बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये बुकटा आम पढ़ा आ समस्त आम जनई देवा कि हूँ ओडिया भी आम यूपीएससी एंड ओपीएससी हूँ काढ़ीपर तो आम डेली हूँ आम ओडिया पढ़ा आतीक प्राक्ट करा आम ओडिया लांगुएज को भी से बेहतर करा जमी समस्त इंग्लीश करें ओडिया यूपीएससी ओपीएससी भी आंसर राइटिंग सब जीएस ओडिया ऑप्शनल सब जिन लिखा आउ सम बताइए कि ना दुनिया में किसी भी हूँ इम्पॉसिबल ना है तो स्टार्ट करा उगे। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो मुझे आज पढ़ू थी गौतम बुद्धों उपर तो जो जन्म जदि तुम देख प्राचीन भारत शाक्य नामधेय एक क्षत्रिय संप्रदाय कपिला वास्तु नामक स्थान में प्राधान्य लाभ करते जो क्षत्रिय संप्रदाय जोड़ा हूँ से जन्मग्रहण करते जोटा कि शाक्य नामधेय जोड़ा कि हूँ कपिला वास्तु से वर्तमान समय हूँ आधुनिक नेपाल तराई अंचल तो आधुनिक नेपाल तराई अंचल आ ख्रीष्टपूर्व थी षष्ठ शताब्दी में कपिला वास्तुर शाक्य मैंने गोटे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा करते आई जो साधारणतंत्र प्रतिष्ठा करते आर मुख्य शासक थे हूँ शुद्धोधन जे ये जे शुद्धोधन आंक पिता नाम आंकर आकचुअल जे रियालीटी जे मदर थे जे जन्म करते ना हूँ मायादेवी तो शुद्धोधन पत्नी नाम थी मायादेवी आउतापुर कौन है ना 566 कपिला वस्तु नगर नगरी अदूरस्थ लुम्बिनी नामक उद्यान मायादेवी ये गोटे जिनस कि उद्यान ये जो लुम्बिनी नामक उद्यान मायादेवी कौन करते ना एक पुत्र प्रसव करते शिशु जन्मर मात्र सात दिन पर माता मायादेवी मृत्यु हो जाए ये जी हूँ थे गौतम बुद्ध आंकर जन्म पर माँ मरी जाइए मानने सात दिन पर लालन पालन जी करते विमाता जी मातृशा जी थे महाप्रजापति गौतमी आउ ये जे माँ को नाम जेहेतु गौतमी अच्छा जी हूँ गौतम बुद्ध को लालन पालन करते तो हिसाब से हूँ मैंने सीधा ये जी थे आमर मैंने ना हूँ गौतम दिगला है गौतम बुद्ध ना हूँ गौतम दिगला कहीं माँ का नाम हूँ गौतमी थी तो से ही गौतम हूँ भविष्य हूँ मानने बुद्ध सी है तापर हूँ परवर्त काल गौतम स्थान जन्मस्थान लुम्बिनी उद्यान सम्राट अशोक जी थे ना से ही लुम्बिनी उद्यान जेहेतु माँ हूँ मायादेवी हूँ मैंने जन्म मैंने दे तो से ही हिसाब से हूँ ये हूँ सम्राट अशोक गोटे हूँ एक स्मृति स्तंभ यार देख स्मृति स्तंभ गुड़े हूँ से स्थापन करते आई जो लुम्बिनी अधुना रुमिन देही बा रूपन देही नाम विख्यात कहीं ये हूँ जी थे आम किए हूँ सम्राट अशोक जी थे सी हूँ स्मृति स्तंभ गुड़े स्थापन करते जोटा कि रुमिन देही बा रूपन देही आम कौन आगे देखो बाल्यकाल तो हूँ बाल्यकाल केमती कौन स्टार्ट होता है तो बहु काल प्रचलित जनश्रुति अनुसार शुद्धोधन जी थे बापा जी थे हूँ आमर गौतम बुद्धों कपिला वास्तु जन हूँ क्षमताशाली राजा थे गौतम जन हूँ राजपुत्र थे ये कहीं ना ये जेहेतु गोटे हूँ बापा जन राजा तो ये गोटे हूँ राजपुत्र को साधारण मनुष्य ये ना सहित कितु आधुनिक जुगर ऐतिहासिक गवेषण द्वारा जना जाए जे शाक्य मान कपिला वास्तु से काल एक साधारणतंत्र रूपे शासित होता जहाँ हूँ किंतु शुद्धोधन जी थे राजा ना सी जो शाक्य जो क्षेत्रीय संप्रदाय जोड़ा था तार सी हूँ कौन थे ना हूँ अधिपति अधिपति बा मुख्य रूपे से हूँ धन ऐश्वर्य तापर हूँ राजप्रसाद और राजकीय क्षमता सी हूँ उपभोग करुले कहीं समस्त से मानने लीडर बोली मानुते जी सब संप्रदायर जो लोक मैंने थे तो से ये जेहेतु गोटे हूँ गौतम कौन शैशव काल जो पी मैंने सी जो छुआ होते तो सेतु मानने से कौन करते प्रसाद मध्य भोग विलास और सुख संपद मध्य अतिवाहित होता एंदेह ना कहीं हूँ जेहेतु बापा जन गोटे राजा तो ये गोटे कौन मानने गोटे राजपुत्र हिसाब से रोचे मानते बहुत भल जगह रोचान तो तापर कौन होती जितेबाद सी हूँ राजप्रसाद रोचे एत मानने बड़ घर तक बापा पाखे सब धन ऐश्वर्य सब जिनस अच्छे तो देख कौन है ना अनाशक्ति अनाशक्तिर मानने देख ये
ଅନାସକ୍ତିର ମାନେ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଯାହା ବି ଏତେ ବଡ଼ ସବୁ ଘର ଥିଲା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୈଶବ କାଳରୁ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଗୌତମ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ହେଉଛି ବିତୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଆଉ ପୁରା ଏକାଥରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜମା ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ମାନେ ମନ ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। ତଥା କଥିତ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏଇଟା ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଲେଖିବ ନା ହେଉଛି ସେ କେଉଁଥିରୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପୃହା ନଥିଲା, ମାନେ ସେ ଟିକେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ରହିବି କି ପୁରା ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ରହିବି ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ତ ସେଇ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପୃହା ନଥିଲା, ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଏବଂ ବିଷନ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ବା ବିଷନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଯେମିତିଆ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏଜ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତା'ପରେ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ହେଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମୋହମାୟା ସଂସାର, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲାନି। ତା'ପରେ ହେଉଛି ବିଷୟ ପ୍ରତି ପୁତ୍ରର ଅନାସକ୍ତି ଦେଖି ପିତା ସୁଧୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ରର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ସୁଧୋଧନ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅନାସକ୍ତି ଦେଖିଲେ, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ରହୁନି, ତ ତାଙ୍କ ମନଟା ଏଇଭଳିଆ କାହିଁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବା ହେଉଛି ଆମେ ଗୌତମଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବା ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ରର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ବାହାଘର କରିଦିଆଗଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ତ ଗୌତମ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯଶୋଧରା। ତ ଗୌତମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ସହିତ ହେଉଛି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଗଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଧରା। ତ ଗୌତମଙ୍କୁ ଯଶୋଧରାଙ୍କ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଗୋପା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ସହିତ ହେଉଛି ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ତା'ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା, ବହୁତ ମାନେ ହେଉଛି ଚାହିଁଲେ କି ନାଇଁ ହେଉଛି ସେ ବାହାଘରରେ ରୁହନ୍ତୁ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ହେଉଛି କିଏ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ସିଏ ହେଉଛି ଆସିଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ତା'ପରେ ହେଉଛି ତା'ପରେ କ'ଣ କଲେ ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଏକ ତ ବାଲ୍ୟକାଳ କେମିତି ଗଲା, ତା'ପରେ ହେଉଛି କିଛି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି, ତା'ପରେ ହେଉଛି ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଗୃହତ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୌତମଙ୍କ ମନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ଥିଲା, ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାକୁ ଅସାର ବୋଧ ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଭଲସେ ରହିବି ଭଲସେ ବଞ୍ଚିବି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି ମନ କିଛି ନଥିଲା। କଥିତ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର 4 ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଗଭୀର ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଦୁନିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋତି ମାଣିକ ଏ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ଆମର ନୁହଁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ତା'ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଏ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗଭୀର ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ସେଇଠି ହେଉଛି କପିଳାବାସ୍ତ୍ର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥରେ ସେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଏକାଥରେ ଯେମିତିଆ ରୋଗବାଗ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା ଏକାଥରେ ରୋଗୀ ଲୋକଟାକୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ତ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପାଏ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜରା ହେଉଛି ଶରୀରର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିଣାମ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିବସରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ, ତା'ପରେ ସିଏ ସେଠି କହିଲେ କି ଜରା ହେଉଛି ଶରୀରର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିଣାମ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଚିର ସହଚର ବୋଲି ସେ ଜାଣିଗଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ହେଉଛି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କି ଆଉ ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶବାଧାର ଉପରେ ଶ୍ମଶାନଗାମୀ ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବକୁ ଦେଖି ଉପଲବ୍ଧିକୁ କରିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯିଏ ହେଉଛି ରୋଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ରହୁଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକଟା, ତ ତାକୁ ତ ଏକରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା'ପରେ ହେଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ କି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଯାହାକୁ ମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ମାନେ ରହୁଛି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୋଗବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବାନି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରାଗ୍ରସ୍ତର ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମୋତେ ବତେଇବ।
आ होची व्याधिग्रस्त ओडिसा लेखा हिची कि माने रोग व्याधि इत्यादि मनुष्य शरीर रो चिर सहजर व्याधिग्रस्त माने होची रोग व्याधि उपर से कहउछन बट जराग्रस्त माने कोन जरा होची शरीर रो सुनिश्चित परिणाम ए जराग्रस्त माने बुझि पाने तुम टिके बतेव नले मु निहाती जानिला पर तुम माने बतेबे आउ गोटे देखिले कि जो माने होचंती सभाधार श्मशानगामी एक मृत व्यक्तिर शबक देखिले जत गोटे मृत व्यक्तिर माने मरी जात लोक से शबक देखिछन तापर से जानछन जे कहना जीवन तुम जहाँ भी कर तुम पाखे जहाँ भी था मरवाटा हूँ कौन ना जीवन रोज शेष परिणति ये जिनसा पूरा एक लिखी तुम आंसर रईटिंग मृत्यु मृत्यु ही हूँ मनुष्य जीवन रेष परिणति ये तीन टा दृश्य हूँ से हूँ मेन तापर से ही तीन दृश्य गौतम को दारुण दुखाभूत कर से मनुष्य जीवन प्रकृत अर्थ विषय गभीर भाव चिंतित होता से हीपरी अवस्था अन्य एक दिन से कपिल वस्त्र राजपथर एक प्रशांत चेता निर्लिप्त सन्यासी दिव्य मूर्ति अवलोकन कर भाई ये जो मानते एमती गोटे अवस्था था जोबले कि सी हूँ कपिल वस्त्र राजपथर से कौन करते गोटे हूँ एमती गोटे दिव्य मूर्ति था जनकर गोटे सन्यासी तो सी से अवलोकन करते मैंने एमती देखुले देखिकी से कौन भाविले ना ये जो भोग विलास माया मोह धन ऐश्वर्य प्रभृति सांसारिक जो बंधन रही अप्रकृत परिवेष्टन मध्यरु मुक्ति लाभ करी प्रकृत सत्यर संधान रे सन्यास व्रत अवलंबन करिबा ही श्रेष्ठ पंथा से कौन कहते ए भोग विलास माया मोह धन ऐश्वर्य प्रभृति ये हूँ तुम आंसर राइटिंग ये गुड़ा हूँ टू द पॉइंट देख भोग विलास माया मोह धन ऐश्वर्य प्रभृति सांसारिक बंधन एगुड़ा सब कौन सांसारिक बंधन एगुड़ा सब ना सीए मोर हूँ माया मुह मैंने कौन ये मोर पु सीए मोर झील एगुड़ कितु कहीं ये कहार भी नुहंते तो धन ऐश्वर्य धन सम्पत्ति मो पाखे ये हूँ सुना अच्छे रूपा अच्छे पैसा अच्छे एगुड़ा किसी भी ना ये जो भोग बेड़ आम जो आराम से रोचे एगुड़ाक सी कौन कौन मैंने हूँ अप्रकृत परिवेष्टन एगुटा हूँ कि प्रकृत ये मैंने हूँ ये जो पूरा मानने कौन चारिपट जो घेरिक रही है सब हूँ प्रकृत नुह सब अप्रकृत हूँ परिवेष्टन मध्यरु यही जिनस गुड़ू कौन मानते हूँ तुमको मुक्ति पाइबार अच्छे एगुड़ सब हटे कि तुमको मुक्ति लाभ कर प्रकृत सत्यर सन्धान सन्यास सब्रत अवलंबन करवा ही श्रेष्ठ पंथा मैंने यहीटा हूँ श्रेष्ठ पंथा मैंने हूँ मेन डिरेक्शन यहाँ हूँ कहीं तुमको यही जो भोग विलास मायाम धन ऐश्वर्य प्रति न पड़ी तुमको कमती हूँ मुक्ति लाभ करार अच्छे सत्यर सन्धान सन्यास व्रत अवलंबन करवा तो यहीगुड़ा हूँ श्रेष्ठ पंथा तापर हूँ गौतम को 29 वर्ष बयस जोबाला एक पुत्र जात है किंतु से नवजात पुत्र को अपर एक सांसारिक बंधन रूप विवेचना कले शेषर अधिक समय अपेक्षा नक से ही 29 वर्ष बयस एक गभीर रजनी मैंने तरह जो 29 कहीं सी हूँ 16 वर्ष म्यारेज कर देख गोटे जिनस सी हूँ ये 16 वर्ष बयस म्यारेज करगले कि 29 वर्ष बयस कौन है ना हूँ तांकर होची जेतबे 29 वर्ष होगला तांकर गोटे होची पुत्र गोटे जात होगा आउ सेतबे से कौन कले ना होची रातिर तांको भल लागिलानी तापर से होची से धन जन स्त्री पुत्र इत्यादि समस्त प्रकार बंधन छिन्न कर सत्यर अनुसंधान बाहरी जाइए मैंने 29 वर्ष बयस 16 वर्ष बयस मैंने म्यारेज कले जशोधारा गोपा नामनी एक कन्या सहित आउ 29 वर्ष बयस कौन कले जो पुत्र जात होगा पर गभीर रजनी कपिला वास्तुर प्रासाद धनजन स्त्री पुत्र इत्यादि को सब प्रकार बंधन छिन्न कर सत्यर अनुसंधान पर बाहरी जाइए आ गौतम गृह त्याग मनुष्य जातिर आध्यात्मिक इतिहास एक पवित्र घटना कहीं सीए जदि गृह त्याग न करता एनलाइटमेंट बा ज्ञान प्राप्ति मिल न था बुद्धत्व प्राप्ति हो न था देख गृह त्याग कले मैंने आसक्ति एगे गुट आसाने मैंने भोग विलास आमोद प्रमोद सबुद्र सी हूँ तेड़े मात्र स्पुआ नाला आउ से आन मानने आसक्ति तो नाला ता सहित से गृह त्याग कले गृह त्याग करापर केमती से बुद्धत्व प्राप्ति कले ना हूँ कपिला वास्तु परित्याग करापर तर गौतम राजगृह अभिमुखे जात्रा करते से जनक पर जड़े दुई जन मैंने हूँ दुई जन पंडित निकटर से ज्ञान आहरण करने को चेस्टा कले आउ से दुई पंडित ना कौन थी गोटे हूँ आलार कालाम आ गए हूँ जो सी हूँ मैंने कौन मैंने गृह त्याग कले तो फास्ट एक से गोटे दुई जन पंडित पाखे एक ज्ञान आहरण करने को सी हूँ चेष्टा करते से दुईटा पंडित होती से दुईज होती आलार कालाम आ गए हूँ उड्रक रामपुत्र है दुई पंडित सी हूँ कौन कले ना शास्त्र ज्ञान आग साधना मैंने से कौन जानवाप चेस्टा कले सत्यपाई गौतम पिपासा तृप्त हो पाराने शास्त्र ज्ञान से पाइले जोग साधना पाइले ये दुई पंडित आलार कालाम आगे हूँ उड्रक रामपुत्र ये दुईटा पंडित सी हूँ शास्त्र ज्ञान जोग साधना पाइला भी हूँ मानते ठीक लगलानी
तो तापरे से कौन करना आहुरी मत किसी जिनस जानवर अच्छे से हूँ साटिस्फाए हेलानी तृप्त हो पारानी तक जो पिपासा जो थी मैंने से जानापी जिनस चाहूल से जिनस सी हूँ साटिस्फाए हो पारानी तापर हूँ तेणु से निजे निजे सत्यर आविष्कार प्रयास कले हूँ राजगृह से कया निकटवर्ती गोटे हूँ उरु बिल्व नामक अरण्य को आसते तापर ये दुई पंडित हूँ सब जिन सारापर तक ठीक लगलानी तापर से हूँ गोटे उरु बिल्व नामक गोटे हूँ अरण्य को सी आसते आठार से कठोर साधना आरंभ करते अनाहार अल्पाहार मानने अनाहार किसी खावा को भी किसी ना किसी आहार किसी मिल नाला अल्प आहार बुझे अनाहार मान हूँ बहुत कम खाइबा हूँ कम करना हूँ कि जिनस मिल नाला तो खावाक भी सी हूँ पूरा छाड़ जाइए बहुत टिके खाऊ शरीर कंकाल सार हो जाता शरीर कौन हो जाता मैंने किसी खाऊ ना सब तो से हूँ दीर्घ छः वर्ष काल निज शरीर को नाना प्रकार निर्यातना देते मैंने किसी खाऊ ना किसी ना कहीं सत्य जानवर अच्छे तो से कितु से दीर्घ दारुण साधना मध्य निज प्रश्नर उत्तर पाइले ना मैंने एत साधना कले फिर भी प्रश्नर उत्तर पाइले ना साधन शेष बेलू गौतम शुष्क चर्मसार शरीर मृतप्राय अवस्था धारण करता शेष से ही पंथा परित्याग कले सुजाता नामनी एक सब जिन मानने जो दुईज पंडित पाखु आसिले तो सीतापुर जहाँ भी किसी साधना करते तो एक तो शरीर बर्बाद हो किसी खाऊना पीऊ ना आउ किसी निजर जो मैंने मेन कथा जो सत्यर फाइंडिंग से आसते जो ट्रुथ पर तो तार आंसर भी मिललानी तो लास्ट टाइम से गोटे जगह गले गोटे सुजाता बोली गोटे हूँ जड़े सुजाता नामनी एक ग्राम्य बाड़िका गोटे गाँव में गोटे छोट झीटे रोते जार ना हूँ सुजाता तो सी हूँ कौन कले ना से सुजाता जो झीटा था तो ता हाथ रू कि हूँ खाद्य से हूँ फास्ट हूँ खाइले क्या एत दिन से खाई नाते चर्म पूरा मैंने कौन पूरा एकदर देह पूरा एकदर कंकाल शरीर पूरा एमती पूरा एकदर हो जाता तो से गौतम कौन कले किटा खाद्य खाई सारापर गौतम एक विशाल अश्वत वृक्ष मूले मैंने वृक्ष तले हूँ ध्यानमग्न है गोटे बहुत बड़ा जोड़ा कहते हैं पीपल ट्री अश्वत वृक्ष मूले सी हूँ कौन कले ना ध्यानमग्न से रे आईटे ध्यानमग्न अवस्था हठात से हूँ कौन कले ना हूँ दिव्य ज्ञान लाभ कले दुईज पंडित पाखु पलि आसे दुईज पंडित पाखु आसी सारापर उरुबिल्य नामक अरण्य को जाते से साधना कले शरीर कंकाल शरीर हो गला पूरा टोटाली कहीं अनाहार और अल्पाहार पर किसी तो फाइंडिंग किसी भी है प्रश्नर तापर से कौन कले ना हूँ सुजाता बोली जो झीटा था ग्राम्य बाड़िका था ताठ कि खाई सारापर सी पीपल ट्री बात जो विशाल गोटे अशत वृक्ष तले एक ध्यानमग्न बसिले आई ध्यानमग्न अवस्था हिं से दिव्य ज्ञान पाइले आई मुहूर्त रू गौतम हेले बुद्ध बा ज्ञानी बुझिपार ना नहीं कहीं अशत वृक्ष तले जो ध्यानमग्न कले सी हूँ मानने ज्ञानी हेले जो वृक्ष तले से ज्ञान प्राप्त हेले कौन लिखा बुद्धि द्रुम एक्चुअली एट बुद्ध द्रुम ना हूँ बुद्धि द्रुम एक्चुअली मुझे भलसे देखा चाहूँ एटा हूँ तुम मैंने मतलब कमेंट सेक्शन में जन बुद्ध द्रुम ना बुद्धि द्रुम भाव कथित है जो स्थान से ही द्रुम अवस्थित ताकि बुद्ध गया नाम प्रसिद्ध कहीं जो वृक्ष तले से ज्ञान प्राप्ति कले बुद्धि द्रुम बुद्ध द्रुम कहला आई स्थाना को से द्रुम जो जगह जो जगार ही से गच तले बस ज्ञान प्राप्त करते सहीटा को एक हूँ आम बुद्ध गया बोली आम जानले से स्थानटा को आ बुद्धत्व प्राप्ति बेले जो से ज्ञान प्राप्ति कले दिव्य ज्ञान से प्राप्त कले तो से बयस कैसे होता अंतरीश बयस गृहत्याग करते पैंतीस वर्ष से कौन कले ना हूँ पूरा ज्ञान पूरा एक दिव्य ज्ञान पाईगले देख ये गोटे जिनस षोहल वर्ष बयस म्यारेज कले अंतरीश वर्ष बयस गोटे पुत्र जत है तो तापर हूँ से गृहत्याग कले दुईज पंडित सहित हूँ सी शास्त्र ज्ञान आउ जुग साधना सी हूँ मानने पाइले बट तर सत्यपाई हूँ पिपासा तृप्त हो पारानी तापर हूँ से कौन कले ना सत्यर आविष्कार उरुबिल्य नामक अरण्य को आसिक साधना कले तो से साटिस्फाए लगलानी तापर से अशत वृक्ष मूल बसिक दिव्य ज्ञान पाइले जोड़ा हूँ मानने बुद्धिद्रुम बुद्ध गया नाम से जगह हूँ प्रसिद्ध आठ से कौन करते ना जीवन दुखपूर्ण दुखर कारण आशा कहीं से कह जीवन हूँ पूरा भोग विलास आमोद प्रमोद एगुड़ सब किसी नुह जीवन रान हूँ दुखपूर्ण दुखर कारण कौन ये दुख जो मनुष्य जीवन आसार कारण हूँ आशा तुम जिते आशा करते ही दुख हूँ आसो और आशार विनाशर दुखर विनाश एवं पवित्र जीवन जापन आशार विनाश आ ध्यानमग्न गौतम दिव्य ज्ञान आकार चीर सत्यर सन्धान प्राप्त करते बुझे।
ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଲେ ତ ଏଥିରେ ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେ ଜୀବନଟା ପୁରା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ହେବାର ରିଜନ୍ଟା ହେଉଛି ଆଶା ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଶା ନ କରିବ ତ ହେଉଛି ତୁମର ଦୁଃଖ ବି ତାହେଲେ ହେଉଛି ରହିବନି ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ତୁମେ ହେଉଛି କରିପାରିବ ଆଉ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଥିଲା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତ ଏତିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ତ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସାରି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି ଏଇଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ତୁମକୁ ପଢ଼ିଦେଲି ତ ଏତିକି ସାରି ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ ତ ତା'ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ତା'ପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ନା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାରାଂଶ ଏଇଟା କେମିତିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ତା'ପରେ ନିର୍ବାଣ ପନ୍ଥା ତା'ପରେ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ତା'ପରେ ଅହିଂସା ତା'ପରେ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ନୀତି ତା'ପରେ ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ ତ୍ରିପିଟକଟା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଶିଖୁଥିଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଯିଏ ବି ମୋତେ ପଚାରେ ତ୍ରିପିଟକ ତିନିଟା ପିଟକ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସାହିତ୍ୟଟା ଥିଲା ନା ତାକୁ ହେଉଛି ଆମେ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତିନିଟା ପିଟକ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ପିଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପୁରା ଏକାଥରେ